उसका उनका नाम कृष्ण गोस्वामी था सन्यासी थे तो छिन्नमस्ता साधना करते मंदिर में बैठ के कर रहे थे तो कामाख्या देवी राजा के उस रा, राजा के सपने में गई बोली वो छिन्नमस्ता साधना करना है कर रहा है उसको वहाँ से हटा मंदिर से हटा दे राजा अपने सैनिकों को भेजा और उसको हटा दिया तू तो यहाँ से हट जा साधना नहीं चाहते वो हटे दूसरी जगह जाकर पत्थर पर बैठे वहीं दूर पे दूसरे दिन तारा के वो पत्थर पर बैठा उसे वहाँ से हटा दे वहां से बैठा दिया गया तीसरी जगह वो पेड़ पे जाकर बैठ के साधना करने लगे तारा का कामख्य पेड़ पे बैठा उसको वहां से भी हटा दे तो उनको तो तारा के क्षेत्र में तारा के पांच किलोमीटर के क्षेत्र में ही करना है और वो कहाँ भी बैठ रहे हैं, वहां हटा दे रहे हैं आखिर में कहा गया गाँव का जो मैल सब जाता है जा सम, अपना गंदा ये सब जाता है वह जाके वहां बैठ गया वहाँ बैठ गया और कामाख्या की साधना करने लगा कामाख्या राजा के सपने में जाके बोली अरे वो कहाँ बैठा है मुझे पता नहीं क्योंकि वो गंदगी जी पर जाकर नहीं जा नहीं सकती और राजा को पत राजा को भी बोल नहीं सकती वो साधना तो ज़रूर कर रहा है वो कहाँ बैठा है ये पता नहीं वो साधना पूर्ण करेगा और साधना पूर्ण हो गई तो मैं बाध्य हूँ कि उसको मैं सिद्ध होना ही है तो राजा सब सैनिकों को बोलने के लिए ढूंढने के लिए भेजा आखिरी दिन था उसका पाँचवा दिन सब लोग ढूंढ के थक गए थक गए थक गए एक साधक गया वो अपने पैखाने के लिए गया वहाँ उसने देखा कि वहां वो बैठा हुआ है उसने तुरंत जाकर राजा से कहा कि प्रभु वो वहाँ बैठा हुआ है उतने माइले इसमें बैठा हुआ है हाँ वहाँ एक पत्थर डाला है पत्थर पर बैठा हुआ है सब मैल वहां से गंदा जा रहा है तो राजा के पास तारा ही और तारा जब आई तो राजा ने बोला मां मैं मा नहीं जा सकता ना वो सैनिक जा सकते हैं उसको उठाने के लिए और कोई नहीं जा सकते वो तो वहाँ बैठा हुआ है अब वो हम कैसा करें तो राजा ने कहा वो साधना होने के बाद बाहर आऊंगा तो मैं उसको बंदी बना लूँगा वो तेरे बाप का भी काम नहीं सुनता अगर साधना हो गई तो तेरे से तेरे हाथ का आने वाला नहीं उस दिन वो तारा साधना पूर्ण संपन्न की और कामाख्या सिद्ध होने वाली ही थी राजा वहाँ गया दूर से ही सब नाक वूँखे अरे भाई तो ऐसा हमारे को क्यों सता रहा है माँ कामाख्या कहती है तू यहाँ से चला जा और तू वो बात है कि सुनता ही नहीं तो ऐसा माता से सता अरे राजा तू मूर्ख है बोले क्या देख मेरी साधना से जब तारा परेशान है तो मेरी साधना करेक्ट चल रही है ना बुरा तारा मेरी साधना से अगर परेशान है तो मैं करेक्ट साधना कर रहा हूँ उसको तो आना ही है मैं यहाँ बैठा हूँ वो आएगी आएगी और जिस दिन ये बात उसने बता दी तो उसने कहा यही है कि जो साधक अपनी जिद के साथ हट के साथ हडियो के साथ अपनी साधना करते हुए बैठता है उन्हें उनके लिए प्रत्यक्ष होना ही चाहे हिरण्यकक्ष हो राक्षस हो हिरण्यक्ष अब बहुत सारे लोग होते हैं अब बाबूलाल सिंह हमारे बहुत इंटेलिजेंट है बोले शिव जी को जब मालूम था रावण सीता को उठा के ले जा जाता जा जा राम को जब उठा जाता जा औरतों को सताता तो शिव जी आशीर्वाद यही कि उसको वहीं रोक देते तो रावण नहीं होता था राम नहीं होता था लेकिन जो परीक्षा लिखता है उसे पास अगर तुम परीक्षा आई की लिखते हो बहुत मेहनत की और परीक्षा लिखी तो तुम्हें पास होना ही है पास हुए तो तुम्हें कलेक्टर होना ही है कलेक्टर होने के बाद तुम अगर ये, क्या अपना रिश्वत वगैरह लेते हो गंदे काम करते हो तो उसका मानिए तुम परीक्षा लिखे पास करना मेरा काम है शिव जी के पास उन्होंने तपस्या की उन्होंने उसका रिजल्ट दे दिया बाद में रावण ने क्या किया इसका मतलब मेरे से नहीं इसी तरह तुम साधना करते हो तो उसका फल तुम्हें मिलता ही मिलता है उसके बाद तुम क्या करते हो और उसका दुरुपयोग किया तो मारे जाओगे और अच्छी तरह किए तो देवता बन जाओगे ये तुम्हारे ऊपर आधारित है इसलिए मैं जो साधना आपसे कह रहा हूँ उसे तुम्हें पूर्ण निष्ठा के साथ गुरु पर विश्वास रखते हुए करना है कभी भी याद रखो जो साधना गुरु करवाता है हम जब तक ये नहीं कहते कि मेरे गुरु जी तुम मरूं या जीव साधना सफल हो या ना हो समर्पण समता से अर्पण करना तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ ये जीवन तुम्हारे लिए दिया हो जिस दिन कहोगे गुरु जी को जिस दिन लगेगा कि तुम मेरे हो चार लोग चाहे मेरी निंदा कर या करे तुम वहाँ खड़े रहकर यही कहोगे तुम कुछ भी कहो वो मेरे गुरु है एक बात जिस दिन कहोगे तो सत्य है गुरु को लगेगा तुम्हें सारे देवता तुम्हारे घर के सामने खड़े रहेंगे लेकिन जो सक्षम गुरु नहीं है उसको ही उसने ही साधना नहीं की तो दूसरों को क्या बताएगा और ऐसे गुरु के बारे में हम समर्पित हो भी तो ना हो भी तो कोई मतलब नहीं रहता लेकिन एक सत अच्छा गुरु है तुम्हें तो कुछ तुम्हारे से न चाहते हुए अगर तुम्हें समर्पण के साथ देता है उसकी निंदा हो रही है और तुम उसके पास से फायदा करके भी उसकी निंदा सुन रहे हो तो तुम्हारे लिए पाप है तुम्हें एक नहीं सात साथ तक तो भी तुम्हें उसकी सिद्धि नहीं मिलेगी इस बात को याद रखो मैं तुम्हारे से कुछ आशा नहीं रखता और मैं आशा से न निर्मल को आश्रम में रखा हूँ तो कोई आशा से रखा हूँ नहीं मैं तुम्हारे में आश्रम रखा हूँ तो किसी को आशा से कोई रखा नहीं कि तुम मेरे लिए मेरे लिए कुछ करेंगे बाबूलाल के पास आए तो क्या दो चार बार भोजन किया होगा उतना ही उनसे कुछ आशा रखे कुछ किया नहीं है ना तो इतनी बात याद रखो मैं यही चाहता हूँ कि निस्वार्थ रूप से मैं करूँ साधना के मार्ग में आप सब लोगों को ले जाऊँ आने वाला कल बोले कि डॉक्टर नारायण दत्त सिंह जी की साधनाएँ सत्य थी और उनकी साधनाओं में हम सिद्ध हैं या आप छाती ठोक के कह सकें और जिस दिन यह कह सके मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो और मैं मेरे गुरु का नाम आगे चल के चलाऊँ मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता तुम अच्छी साधनाएँ करो और सिद्ध हो जाओ ये मैं चाहता हूँ मैं जो भी तुम्हारे को या मेरे आश्रम में मेरे आश्रम मानने का मेन यही था कि तुम्हारी छोटी छोटी समस्याएं जहाँ गुरु मंत्र की जाप आदि हो तुम साधना घर में जो नहीं पवित्रता के साथ कर सकते हो वहाँ आकर करें ये इच्छा से दो इसमें भी मेरा कोई नहीं तुम साधना आने के बाद मैं तुम्हे को आने के लिए पैसे नहीं मांगता नहीं जाने के लिए पैसा नहीं मांगता उल्टा अगर कम पड़े तो मैं ही दिलवा देता हूँ तुम्हें ये क्यों करता हूँ कि मैं तुम्हें बताने देना चाहता हूँ कि मैं लक्ष्मी साधना है मैंने की तारा साधना मैंने की है और मैं उस साधना के बल पर आज आश्रम चला रहा हूँ और तुम भी ऐसा ही तुम्हारे परिवार समाज और आश्रम को चला सके इतनी क्षमता तुम में हो लेकिन यह केवल और केवल गुरु के प्रति समर्पित हो तो ही होता है एक गुरु के सामने एक बोलना गुरु के पीछे एक बोलना ऐसा होने से कभी नहीं होगा और होगा भी नहीं और एक बात कहता हूँ तुम्हें साधना दूँ या ना दूँ मेरा क्या बिगड़ने वाला है मैं इतना तुम्हें बता देता हूँ गुरु ने सक्षम बनाया जंगल में भी जी सकता हूँ अकेला आश्रम चला सकता हूँ मेरे उसमें कोई स्वार्थ नहीं लेकिन इतना चाहता हूँ कि जो गुरु पर विश्वास करते हैं वो लोगों को मैं मार्गदर्शन कर सकूँ मेरे गुरु बनने की कोई इच्छा नहीं किसी प्रकार की इच्छा नहीं मैं एक ही बात कहता हूँ मेरा गुरु का नाम संसार भर में हो संसार गुरु ने जितनी साधनाएँ बताई है कम से कम कोई छाती ठोक के एक बात कह सके कि मैंने साधना की है और साधना की सिद्धि मैं जानता हूँ ऐसा एक आदमी भी हो तो संसार उसकी तरफ देखेगा और इसके लिए मैंने कितनी प्रताड़नाएँ सही है आज बाईस और चालीस वर्ष में मैं जानता हूँ लोगों ने क्या क्या कहा मुझे कैसे कैसे सताया क्या क्या, -क्या मैं मैं सब जानता हूँ लेकिन कभी मैंने गुरु का पल्लू नहीं छोड़ा और गुरु को नहीं छोड़ा ये कहा कि गुरु जी ये जन्म तो तुम्हारे लिए दे दिया हूँ चाहे मरु या जीवों कुछ भी हो और आज जो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ ये केवल उस गुरु के प्रति समर्पण है और गुरु जी मेरे को जो दिए हैं वो मैं मेरी मेरी औकात भी उतनी है कि मैं ये सारी चीज़ों को प्राप्त कर सूँ केवल गुरु कृपा से मैं आप सभी के सामने बैठकर इतने इतने जंगल में इतने लोगों के सामने बात कर रहा हूँ कल जो सैलोकर जाए थे ब्रह्म में उनका गढ़ था गढ़ वहाँ कोई दूसरा आ नहीं सकता था कल जो हमने साधना शिविर किया और वो कल मेरे पास आके बात करने लगे ये मेरी गुरु कृपा ऐसा ही ऐसा बहुत बार हुआ भंडारा में भी हुआ लोग पहले पहले जो साधना शिविर करता वहाँ विरोध करने के लिए आए थे लेकिन दस मिनट में वो लोग नहीं देखा आज हम देखते हैं यही कल जो साधना ब्रह्म ब्रह्मपुरी तो वहाँ से मारकंडा नाम का एक प्लेस है मारकंडा नाम का एक प्लेस है वो गंग और वैनगंगा नदी के किनारे है और वहाँ आ, हमने ग्रहण का शिविर किया था बहुत एक पंद्रह बीस साल पहले और वहाँ एक साधु था वो साधु बॉडी में कूद जाता था और वहाँ से पानी निकाल कर ला कर पानी जिसको भी पिला दे कैसी भी बीमारी हो वो कम हो जाती थी वो पानी किसी लोटे में डाल दें और मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है तो निकाल के वो अगर लोटे में पानी डाल दे तो लो, आ, लोटे में सोना बन जाता था उस साधु को अशोक ठाकुर नाम के थे उन्होंने मर गए बाद में वो वहीं के बलारसा में ही रहते थे बाद में पुना में गए नासिक में भी गए बाद में करोना में मर गए उन्होंने मुझे उस साधु के पास ले गया था और वो साधु ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी तुम्हें याद करेंगी जोशी जी मैं ये बात तुम्हें बता रहा हूँ मैं बड़ी बात नहीं करता लेकिन आज भी हमारे संसार में अगर जंगलों में घूमते हैं तो ऐसे साधु निश्चित रूप से हैं लेकिन गुरुजी ने यही काम किया था कि ऐसे साधुओं को सन्यासियों को जो गुफा में बैठे हैं तो किस किसका किसके लिए उपयोगी हो और उनके पास से साधनाएँ लेकर गुरु बाहर आएँ और अपने सब लोगों को दें सेवक केवल गुरु जी गृहस्थों के लिए साधना गृह गृहस्थ तो उसको झूठ बोलना ही पड़ता है पत्नी को गाली देना ही पड़ता है बच्चों को गाली देना ही पड़ता है पैसा कमाने के लिए गलतियाँ करनी ही पड़ती है ऐसे इसमें देवता प्रत्यक्ष हो तो कैसे हो है ना तो इसके लिए हमें गुरु मंत्र जब करते हुए इस पापों का शमन करते हुए आगे बढ़ना है तो गुरु मंत्र ही अपने पापों का शमन करता है एक उद्देश्य तुम्हारे को और मेरे को मैं यही भी, डॉक्टर भी नारायण दत्त श्रीमाली जी एक ज्ञान का भंडार है उन्होंने क्या उनके बेटों या उनके और दूसरे में उनके बारे में कुछ नहीं जानता वो एक ज्ञान का उन्होंने जो ज्ञान बांटा है आज छाती ठोक के कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि कह सके कि मैंने ये साधना है सिद्ध किए मैं इतनी सिद्ध करके बता सकता हूँ ऐसा नहीं अगर वही कहें बेटे कि तारा सिद्धि ने कोई सोना बिना नहीं आता तो अब फिर गुरु के वचन को तो ख़त्म कर दिया गया काशी में एक दफा ऐसे ही अपने लोग गए थे तो गुरु जी ने बात स्पष्ट रूप से उनके बड़े बेटे ने कह दी कि तारा साधना कोई सोना बिना नहीं आता और उसी समय मेरे पास सोमेश्वर सोमेश्वर राव बोल के एक विशाखपट्टनम के थे और एक पंडित जी बोल के गुजरात के थे जिन्होंने अपने ही आश्रम में पहले पहले जब मंदिर उसमें स्त्रियों को भी नहीं जाने देता था तारा साधना सिद्धि की और उनके सामने श्रण निकाल के और उन्होंने वही बात गुरुदेव नंदकृष्वर शर्मा जी को बताई वो आश्चर्य से कि बाद में बात करने के लिए नहीं रहा उनके पास मैंने हम जोशी जी के आश्रम में हमने ये सिद्ध किया है ऐसा नहीं होता इसलिए मैं ज... <coughs> यहाँ के आयोजकों निर्मल सतीशाली सभी के सभी को हम एक धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने इस जंगल में इतना सुंदर जंगल में मंगल का कार्य किया है और अपने को साधना करने के लिए आपको अवकाश दिया है इसका सदुपयोग करें और करें आप साधना स्थल को बताएं ग्यारह बजे साधना आरंभ होगी नौ बजे मैं स्थापना करूंगा स्थान बता दो मैं वहां जाकर एक बार देख के आता हूं आप सबको पानी बीनी जो भी पीना है कुछ भी करना है वो कर लो